एक नया तूफान शुरू हुआ है जो जेठ जी जिठाजी ने शुरू किया कि भाभो और बाबा साहब को बाहर जाना है विदेश, लेकिन ऐसे कैसे घर छोड़ जाएंगी भाभो, वो मेरे भरोसे एमिली के भरोसे बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, भाभो ने रखी है शर्त कि जो है जिठानी जी पूरे घर का ना ध्यान रखेंगे, वो कैसे हो सके है, कोई चोर को थोड़ी ना पकड़ना है, हथकड़ियाँ थोड़ी लगानी है, कोई वो पेपर वर्क थोड़ी ना करना है, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, खाना बनाना है, चाय बनानी, उनमें तो बल्कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं तक गई भैंस पानी में। तो बस यही कार्यक्रम हम लोग अभी शूट कर रहे थे, अब देखो क्या होने वाला है। वैसे जिठानी जी हैं बड़ी मतलब सख्त जान, कर तो सब लेती हैं, कभी इधर की मदद कभी उधर की मदद, लेकिन इस बार ना अलग ही ट्विस्ट है, भाभू ने मारे को थानेदार नहीं बना दिया क्या बताऊँ, अब जब मैं थानेदार नहीं बनी तो कोई चोरी चकारी थोड़ी ना हो सके, मतलब चोर के हाथ में ही चाबी हो गई है। तो अब मैं देखती हूँ कि जिठानी जी कैसे काम करती हैं, कैसे खरी उठती हैं। भैया कोई नहीं जाएगा बाहर अब्रॉड वब्रॉड, जाएंगे तो मैं जाऊँगी वरना कोई नहीं जाएगा। हाँ मज़े का तो यूँ है, मज़ा आया आया नहीं आया नहीं आया, है ना, अब आएगा तो भाई सबको आएगा, और नहीं आएगा तो मैं दिला के रहूँगी। अरे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सास बहू और जिम्मेदारी अगर बात हो तो जिम्मेदारी तो भाभो खूब दबा कर देती हैं, तो बेचारी संध्या आज कैसे रहेगी, कंधे कैसे बचाएंगे अपने अपने, और ऊपर से मैंने बंदूक तानी हुई है, तो देखो मज़े मज़े वाला है, मज़ेदार होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, देखते रहिएगा।